नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीज बॉटनी। आज हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। व्हेन वी ऑब्जर्व ऑनियन पील्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑनियन पील्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखे समझो, अदरवाइज अ ह्यूमन चीक सेल्स, ह्यूमन चीक्स के जो सेल्स रहते हैं ना, उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑनियन पील्स मींस ऑनियन इज अ प्लांट सेल। ऑनियन क्या है? एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल बोले तो रेक्टेंगुलर शेप रहेगा ऑब्वियसली, एंड ह्यूमन चीक सेल इट इज अ सर्कुलर शेप के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑनियन पील सेल्स प्लांट सेल रहने की वजह से इसके अराउंड आपको क्या देखने को मिलता है? एक सेल वॉल देखने को मिलेगा, सेल वॉल लेयर देखने को मिलेगा। आउटर मोस्ट लेयर के अंदर क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल रहेगा। एंड इन केस बिलो द सेल वॉल वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ऐसा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा इन प्लांट सेल, बट इन एनिमल सेल्स ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही देखने को मिलेगा इन एनिमल सेल और ह्यूमन चीक सेल। दिस वन इज अ प्लांट सेल। ओके, एट द सेंटर रीजंस वी हैव अ डेंसली पैक्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। दोनों के जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलेगा। क्या रहता है क्रोमोसोम्स के अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलेगा। इनसाइड दिस बोथ सेल्स इफ दिस इफ द सेल कंटेन सेल हैज द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सेल्स के अंदर सपोज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है समझो, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? दोनों के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एंड एनिमल सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। यूकैरियोटिक सेल कौन सा? सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रहता, उसे हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। कौन सा सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नेकेड न्यूक्लियस देखने को मिलता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। एग्जांपल इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा न्यूक्लियस के अराउंड, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। अदर देन दैट दिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इन द सेल, दोनों सेल्स के अंदर भी, सभी सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो वाटरी कंटेंट वाला, सेमी फ्लूइड, सेमी मींस हाफ, फ्लूइड मींस वाटर विथ अदर कंपोनेंट्स। ओके, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल के अंदर देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसे हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म, दोनों सेल के अंदर देखने को मिलेगा। इवन इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स टू। इनसाइड दिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ओनली, इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होगा? इस सभी एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे। केमिकल रिएक्शंस विल बी हैपन इनसाइड द साइटोप्लाज्म, केमिकल रिएक्शंस, उसी वजह से सेल लाइव रहेंगे। ड्यू टू दीज केमिकल रिएक्शंस दे प्रूव दैट सेल्स प्रूव दैट दे आर लिविंग। ओके, नेक्स्ट इज द अदर देन दिस द सेल्स कंटेन्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल्स, दोनों के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड बोले तो कौन सा ऑर्गेनल के अंदर मेम्ब्रेन रहेगा? मेम्ब्रेन मीन्स आउटर कवरिंग रहेगा, ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विल बी प्रेजेंट। दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस,
गोल्गी अपराटस। इन केस ऑफ प्लांट्स प्लास्टिड्स विल बी प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट 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 विल बी एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। दीज ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अदर देन दैट दिस प्लांट एनिमल सेल्स कंटेन्स द सेंट्रोसोम्स। क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा यहाँ पर? सेंट्रोसोम्स देखने को मिलेंगे एनिमल सेल्स के अंदर, सेंट्रोसोम देखने को मिलेंगे प्लांट के अंदर। एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलते हैं आपको? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। एंड बोथ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। सभी सेल्स के अंदर राइबोसोम देखने को मिलेंगे बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस सभी सेल्स के अंदर होगा। प्लांट सेल के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता, एनिमल सेल्स के भी अंदर एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। हियर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अंदर छोड़ के और ऑर्गेनल्स के अंदर भी आपको आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। कौन सा ऑर्गेनल्स के अंदर राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स के अंदर, स्पेशली प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? ग्रीन पिगमेंट रेशो वाला एक ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे बिकॉज सम जीन्स सम एंजाइम्स विल बी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम सिंथेसिस होंगे, उनके अंदर सेपरेट डीएनए देखने को मिलेगा दोनों के अंदर, इसलिए वहां पर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेल का साइज शेप एंड एक्टिविटी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर साइज के बारे में आया तो माइकोप्लाज्मा इज दी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, उसका साइज बहुत छोटा साइज देखने को मिलेगा, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। उसके बाद आएगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का साइज कितना देखने को मिलेगा आपको? 3 to 5 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल कौन सा है बोले तो हुम ऑस्ट्रिच सेल। ओके ऑस्ट्रिच का जो एग है ना वो जो है वो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ह्यूमन रेड ब्लड सेल उसका लेंथ कितनी, डायमीटर कितना देखने को मिलेगा? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर बोले तो क्या? डबल ऑफ रेडियस। ओके अगर ह्यूमन ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल आरबीसी सेल का डायमीटर कितना देखने को मिलेगा? 7 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा, 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स जो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल देखने को मिलेंगे ना वो लॉन्गेस्ट सेल्स इन दी वर्ल्ड। द शेप ऑफ द सेल इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। जो जो काम करेंगे सेल उसका शेप भी वैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो द सेल्स मे बी अ डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप भी देखने को मिलेंगे, क्यूबॉइडल देखने को मिलेंगे, थ्रेड लाइक देखने को मिलेंगे, इरेगुलर शेप वाले। द शेप मे बी डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ओके उसके काम के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। वी हैव सम एग्जांपल्स इनके सब रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप देखने को मिलेगा एंड कॉन्केव देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन देखने को मिलता। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल का साइज कैसा है? अमीबॉइड शेप के अंदर देखने को मिलेंगे, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, इरेगुलर शेप जैसा। यहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या है? एपिथेलियल सेल्स यूजुअली हेल्पफुल फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर हेल्पिंग फॉर फाइटिंग अगेंस्ट एंटीजेंस। रेड ब्लड सेल्स दे हेल्पफुल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस ऑफ द बॉडी। एंड
नेक्स्ट इज दी नर्व सेल्स. नर्व सेल्स का शेप कैसा है? ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग देखने को मिलता, ओके लॉन्ग एंड ब्रांचेस देखने को मिलेंगे नर्व सेल्स के अंदर. ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स कहां पर देखने को मिलेंगे? यूजुअली ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ द प्लांट्स. इसका फंक्शन क्या है? इसका सेल कैसा है? एलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलेंगे. दे विल हेल्प टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ट्रैकेट का साइज कैसा है? एलोंगेटेड शेप के देखने को मिलेंगे. मीसोफिल सेल्स, मीसोफिल सेल्स क्या है? शेप कैसा देखने को मिलेगा? राउंड एंड ओवल देखने को मिलता, राउंड एंड ओवल. मीसोफिल सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस विल बी अकर विद द हेल्प ऑफ मीसोफिल सेल्स. दे आर राउंड एंड ओवल इन स्ट्रक्चर्स. दिस इज समथिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ अ सेल. थैंक यू.